हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्स लेक्चर। आज मैं आपको क्लास 10 से ट्राइंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10 कराऊंगा। देखिए, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, यानी कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट इस तरीके से कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये रेशियोज गिवन है। शो दैट इट इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ये आपको शो करना है। अरे भाई, जब शो करना है एबीसीडी ट्रेपेजियम है तो ट्रेपेजियम ही बनाना पड़ेगा। बनाओ ट्रेपेजियम। ठीक, चलिए देखिए, ये लीजिए, बन गया ट्रेपेजियम। ये बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। हाँ, ट्रेपेजियम इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम भी तो क्वाड्रिलेटरल ही होता है, फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर। डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर कहां पर? एट पॉइंट ओ। ये लीजिए, उसने बोला है डायगोनल जो है ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट इस तरीके से कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये इक्वल है साइड्स के रेशियो। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये गिवन है, देख के लिख दिया यहां से। ठीक है, ये गिवन है आपको। और क्या प्रूफ करना है आपको? टू प्रूव कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी ट्रेपेजियम है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखिए, अगर आप इसे कन्वर्स या बाय सॉरी बीपीटी थ्योरम या बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से करेंगे तो पैरेलल डाल के होगा। ठीक है, वो मेथड है लेकिन वो थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं आपको और बढ़िया मेथड बताता हूँ और थोड़ा सिंपल भी है। ठीक, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सीधे प्रूफ करेंगे। देखें जरा, तो कैसे करेंगे? टारगेट सेट करते हैं अपना, ट्रेपेजियम प्रूफ करना है। आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए अगर हम उस क्वाड्रिलेटरल की एक पेयर ऑफ साइड, वन पेयर ऑफ साइड को पैरेलल प्रूफ कर दें, मैं पैरेलल प्रूफ कर दूं AB पैरेलल टू DC, अगर ऐसा मैं कर दूं तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा। सही है, तो इसी पे फोकस रहेगा। अब देखो, अब एक चीज ये है कि भाई ये साइड इसके पैरेलल तभी हो सकती है या तो कोई कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लग जाए, करेस्पॉन्डिंग लग जाए, को इंटीरियर लग जाए, लेकिन यहाँ पे करेस्पॉन्डिंग और को इंटीरियर तो दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन अगर कैसे भी मैं इस वाले एंगल को इसके इक्वल कर दूं, अभी हुआ नहीं है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट से ये इसके पैरेलल हो जाएगी। ठीक, और पैरेलल हो गई तो ट्रेपेजियम हो गया। अच्छा, ये बात भी समझ में आती है। अब ये इसके इक्वल कैसे होगा ये सोचो, तो अगर ये ट्राइंगल AOB इस ट्राइंगल COD के सिमिलर हो जाए तो हो जाएगा बाई CPST। बस, यानी कि यहां से समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, हमें ये करना है दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए, तो अब इसी की तरफ चलेंगे। सबसे पहले देखेंगे, देखिए, इन ट्राइंगल्स AOB एंड ट्राइंगल COD, भाई जिनमें आपको जो ट्राइंगल सिमिलर करने उसी में तो ऑपरेट करोगे। अच्छा, क्या दिया है इसमें, इन ट्राइंगल AOB और COD में? ये देखिए, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, कहां से आया? गिवन। ठीक, आप एक बात बताइए कि जब मुझे दो साइड्स के रेशियो दिए हुए हैं तो कौन सी क्राइटेरिया लग सकता है? साइड एंगल साइड लग सकता है? हाँ, कुछ आइडिया लग रहा है, लेकिन हमें अब एक एक ये रेशियो जो दिया है इसको आप देखिए, AO अपॉन BO दिया है, AO अपॉन BO, ये तो गड़बड़ है क्योंकि साइड्स के रेशियो एक ही ट्राइंगल के नहीं लिए जाते हैं। अगर AO ले रहे हो तो इस जैसे AOB की आप AO ले रहे हो तो फिर आपको दूसरे ट्राइंगल की साइड का रेशियो चाहिए ना यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो गलत है ना। अब आप एक बात बताइए, AO के साथ में पेयरिंग हो सकती है या तो CO की या DO की, अब वो कैसे? तो ये CO दिख गया एकदम, तो एक काम करो ना, क्या मैं इस रेशियो को AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO नहीं लिख सकता? क्या किया ये मैंने CO को नीचे लिया और BO को ऊपर, यानी कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, गलती तो नहीं है? अरे BO को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, CO को इधर कर दिया, इंटरचेंज हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैंने अभी क्वेश्चन 9th में भी किया है, ठीक है, थोड़ी देर पहले ही अपलोड की है वीडियो। अब ठीक है भाई, ये आ गया। अब आप ध्यान से देखो, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO,
BU अपॉन DU, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो साइड्स के रेशियो इक्वल मिल गए, तीसरा ही ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों? एंड एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सही है, वर्टिकली से इसके इक्वल हो गया। कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? दो साइड के रेशियो मिल रहे हैं, एक एंगल मिल रहा है, बाय SAS दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर ट्राइंगल AOB, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर, AOB सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय SAS सिमिलैरिटी, सही है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, AOB COD के सिमिलर हो गया, हो गया, यही बात हो रही थी कि कैसे इन्हें सिमिलर करें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसे रब कर देता हूं यहां से, इसकी जरूरत नहीं है और टू प्रूफ के भी नहीं है, हमें प्रूफ करना है ट्रेपेजियम होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है, ABCD का ट्रेपेजियम। चलो आपने वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लेना सॉल्यूशन, ठीक। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गए इसका मतलब एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बाय CPST, अरे भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा ना CPST से, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक। लेकिन आप ध्यान से देखो ये दोनों एंगल्स हैं कैसे, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये कैसे एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और हमने कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पढ़ी है कि अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं देन द लाइंस आर पैरेलल, है ना, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देयरफॉर AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल होगी किसके, CD के, और अगर एक क्वाड्रिलेटरल में AB पैरेलल टू CD आ रही है, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल आ रहा है, सो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो ABCD को हम क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ही यही प्रूफ करनी होती है कि वन पेयर ऑफ साइड को पैरेलल प्रूफ कर दीजिए, आगे बात समझ में, हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था कि ABCD ट्रेपेजियम होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि आपको मेरे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मैंने इस ट्राइंगल से रिलेटेड जितनी भी थ्योरम्स हैं और 6.1 के पूरे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 6.2 के सॉरी 6.2 के वो सारी पोस्ट कर दी, अपलोड कर दी, आप उन्हें देख लीजिए, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। थैंक यू।